हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, क्यों ये किया जाता है और इससे हमें क्या पता चलता है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि लीवर प्रोफाइल टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसी तरह थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी होता है। जब हम लोग टेस्ट में प्रोफाइल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग कोई एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। बॉडी में अगर हम लोग थायराइड का टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग ब्लड से ही टेस्ट करते हैं। हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह ये सब जो होते हैं, जो कुछ भी है, तो उससे ही हमें पता चलता है। ब्लड का ब्लड से सारे सैंपल लेकर के हमें टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड का दो कंपोनेंट होता है, एक तो सेल कंपोनेंट है जो कि आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो कि रेड कलर का होता है, और एक होता है प्लाज्मा जिसे हम सीरम का एनालिसिस करते हैं। सीरम के अंदर हमें एल्बुमिन, प्रोटीन, हार्मोन ये सब मिलता है। यहाँ हम थ्री डिफरेंट हार्मोन्स का टेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कह रहे हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट असेस द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स दैट इज T3 एंड T4 एंड TSH। हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में जो परफॉर्म करते हैं उसे हमें ये डिटेक्ट करने को मिलता है थायराइड डिजीज़ का, सच एज थायरोडाइटिस, गोइटर एंड थायराइड कैंसर। तो इन सब थायराइड डिजीज़ का हम डिटेक्ट कर पाते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से। एंड दिस थायराइड प्रोफाइल टेस्ट इज ऑल्सो टू मॉनिटर हाइपरथायरोडिज्म एंड हाइपोथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म का भी मॉनिटर हम कर सकते हैं प्रोफाइल टेस्ट से। नाउ वी विल नो द थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है? थायराइड फंक्शन टेस्ट में ब्लड टेस्ट का सीरीज है जिसमें मेजर किया जाता है कि आपका थायराइड ग्लैंड कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। इस टेस्ट सीरीज में जो होते हैं वे है T3, T4 एंड TSH। अब हम जानेंगे कि थायराइड जो ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो देखिए, थायराइड है एक स्मॉल ग्लैंड जो नेक के लोअर फ्रंट पार्ट में लोकेटेड होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए और मूड्स के लिए। तो जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड्स, वो बटरफ्लाई शेप्स का नेक के लोअर फ्रंट पार्ट में लोकेटेड होता है। थायराइड दो तरह के होते हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। पहला है थायरोडोथायरोनिन दैट इज T3, थायरोक्सिन दैट इज T4। अगर इफ आवर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन्स, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इनफ हार्मोन्स, देन वी मे एक्सपीरियंस द सम टाइप्स ऑफ सिम्टम्स सच एज वेट गेन, लैक ऑफ एनर्जी एंड डिप्रेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायरोडिज्म। तो हाइपोथायरोडिज्म में हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ सिम्टम एक्सपीरियंस कर पाते हैं हम, जैसे कि वेट गेन होने लगता है, लैक ऑफ एनर्जी होने लगता है और डिप्रेशन होने लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन कम प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ऐसे केस को हम कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म। इफ़ आवर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मेनी हार्मोन्स, यू मे एक्सपीरियंस दैट इज वेट लॉस, हाई लेवल ऑफ एनजाइटी, ट्रेमर्स एंड अ सेंस ऑफ बींग ऑन हाई। दिस इज कॉल्ड हाइपरथायरोडिज्म। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है, फील होता है सिम्टम, जो कि हो वेट लॉस, हाई लेवल ऑफ एनजाइटी, ट्रेमर्स एंड सेंस ऑफ बीइंग हाई। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहते हैं, हाइपरथायरोडिज्म। अब हम जानेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन या T3 और T4 जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो मास्टर ग्लैंड भी उसको कहा जाता है, और ये मास्टर ग्लैंड होता है जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे ACTH, FSH, LH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, तो ये सब जो है बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होता है? हाइपोथैलेमस में, एकदम बीचों बीच, मटर ये कहते हैं ना जिसको, मटर साइज़ का, पी साइज़ का उसका सेप होता है, और वो हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है। तो हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरोट्रोपिन भी हम इसको कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH रिलीज होता है, और वो क्या करता है, वो रिलीज होने के बाद थायराइड के पास आता है। तो वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, जो कि है T4 एंड T3। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और ट्राईआयडोथायरोडीन हार्मोन जो कि T3 है वो भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इसको रिलीज करने के लिए थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होते कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ ठीक किया जा सकता है ट्रीटमेंट से, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, अपने लाइफस्टाइल से। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, बॉडी का हर फंक्शन जो है वो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो ऐसे केस में हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक टाइम पर खाना, पीना, सोना, हेल्दी डाइट, ये सब मैटर करता है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।